नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभु शरण वृंदावन में मौजूद हैं और वृंदावन का जो गुफा है, ये वैष्णो माता गुफा, एक अजब सा बना करके टच दिया गया है। कितना मनोरम बनाया गया है गुफा, जिससे लगे कि आप वैष्णो देवी धाम में मौजूद हैं। तो सीधे हम ले चलते हैं आपको, गुफा का दर्शन कराते हैं और तमाम लोग देखिए यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। कितनी सुंदर जो गुफा है, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि हम वैष्णो देवी दरबार में पहुंचे हैं। जिस तरह से जम्बू का वैष्णो देवी, उस तरह से ये लग रहा है यहाँ का नजारा। यहाँ की गुफा को देखिए, यहाँ एक एक चीज को देखिए, बड़ी बारीकी से बनाई गई है और लोगों को समर्पित किया गया। हम आगे भी चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं। देखिए तमाम लोग आवाजाही कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। जम्बू जैसा लग रहा है? जम्बू जैसा लग रहा जी। देखिए जम्बू जैसा लग रहा है इनको। कहाँ से सब लोग जगह जगह से यहाँ पे पधारे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ी, हरियाणा जी। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए हैं। अरे वाह, कैसा लग रहा है? माता जी का यह अलौकिक और अद्भुत मंत्री, माता वैष्णो देवी का, बहुत ही सुंदर जी। माता के नौ रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ लगी है। बहुत ही सुंदर तरीके से यह माता वैष्णो देवी का मंदिर बनाया गया है। मैं देख रहा हूँ, यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। माता के नौ रूपों को जिस तरीके से यहाँ दर्शाया गया है और भक्तों की भारी भीड़ माता का हजम करते हुए यहाँ पर चल रही है, आगे से बहुत ही सुंदर मंदिर माता जी का है और मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गया। गुफा के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, हजारों की संख्या हम लोग गुफा के अंदर घूम रहे हैं। माता रानी हम लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हम माता जी से यही विनती करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? श्योपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है ये गुफा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, दर्शन हो रहे हैं अच्छे से जी। सब लोग देखिए अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से आए हैं और बहुत सुंदर सा ये गुफा वैष्णो माता के दरबार का ये नजारा, जैसे लग रहा है कि हम खुद ही वैष्णो देवी धाम में पहुंच गए हों, जैसे लग रहा हो कि खुद ही हम जम्बू में पहुंच गए हों। तो ये वृंदावन है, ये जम्बू नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला और मथुरा का ये वृंदावन है। और वृंदावन में इतनी रमणीय जगह, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े हों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की हो, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया हो, वो वृंदावन है। तो आप आराम से आइए वृंदावन, घूमिए, देखिए और वैष्णो देवी जैसा मंदिर यहाँ पे स्थापित है, दर्शन कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।